क्या मिल्क के साथ बनाना को कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, इसको कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए? बहुत सारे अगर आप शेक्स एंड स्मूदीज देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल्क और बनाना साथ में कंबाइन करके दिया जाता है। इतना कॉमन कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम मिल्क और बनाना को साथ में कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप इंटरनेट को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आयुर्वेद के नाम पे ये क्लेम करते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर डाइजेशन आपका ख़राब हो जाएगा, साइनस जैसी बीमारी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी का स्वागत है न्यूट्रिशन डॉक्टर में। तो आज की वीडियो में हम एविडेंस बेस्ड इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके हेल्थ बेनिफिट को जानते हैं कि आखिरकार केले को दूध के साथ कंबाइन करके लेने से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला ये हेल्थ बेनिफिट है कि जब आप हेल्थ केले और दूध को साथ में कंबाइन करके लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों साथ में आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। वो कैसे? अगर आप दूध को देखेंगे तो दूध के अंदर आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी, इनफैक्ट इसके अंदर अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम भी मिल जाता है जो कि आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वहीं पे अगर आप बनाना को देखते हैं, केले को देखेंगे तो उसके अंदर आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिल जाता है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलेगा, विटामिन B6 अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च में ये देखा गया है कि आप जब केले को कंज्यूम करते हैं तो केले के अंदर आपको विटामिन सी भी मिलता है, विच इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या? जो कि आपके सेल को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों देखिए, सेल को डैमेज होने से बचा रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर रहा है। तो अगर आप बनाना और मिल्क को साथ में कंबाइन करके लेते हैं तो आपके देखिए सोने पे सुहागे वाली बात होगी कि हाँ, दूध और केले को आपने साथ में कंबाइन करके लिया तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी साथ में मिल रहे हैं। दूसरा हेल्थ बेनिफिट क्या है इसका? दोस्तों, ये पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में आपका काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो कैसे? देखिए दोस्तों, जब आप दूध और केले को साथ में कंबाइन करके लेते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप वर्कआउट ख़त्म करते हैं तो आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो डिप्लीट हो जाता है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए सबसे पहले हमें कार्ब्स की ज़रूरत होती है, और बहुत से रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप कार्ब्स को प्रोटीन के साथ कंबाइन करके लेते हैं तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ होता है, आपके जितने भी सेल्स, जितने भी मसल का डैमेज हुआ है उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे दो टॉप हेल्थ बेनिफिट जब आप दूध और केले को साथ में कंबाइन करके लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके क्या क्या नुकसान है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको खाने से हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आखिरकार इसके क्या क्या डाउन साइड है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है, आपका वेट बढ़ सकता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आपका वेट बढ़ सकता है। वो कैसे? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सेस करते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा, अगर आपने अच्छी चीज़ भी खा ली एक्सेस में तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी ही होगी। अगर आप केले को देखेंगे तो केले के अंदर आपको लगभग 105 कैलोरी से लेके 120 कैलोरीज तक मिलती है। अगर आप दूध को देखेंगे, 250 ml दूध के अंदर आपको 150 कैलोरीज मिलती है। दोनों को साथ में अगर आप कंबाइन करके लेंगे ना दोस्तों, तो आपको लगभग 300 के करीब आपको कैलोरीज मिल जाएगी। अब खुद सोचिए, अगर आपके डेली डाइट के अंदर आप अपनी कैलोरीज से सरप्लस में चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, 3 से 4 बार आप ये स्मूदी ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, और उसके बाद खाना भी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में खा रहे हैं, एक्सेस में खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने एक केला भी खा लिया तो तुरंत आपका 4 किलो 5 किलो वेट बढ़ गया। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल बकवास बात है, इसके अंदर भरोसा ना कीजिए। दूसरा डाउन साइड ये है, बोला जाता है कि ये दोनों चीज़ें नॉन कंपैटिबल हैं आयुर्वेद के हिसाब से। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दोनों विरुद्ध आहार हैं, हमें दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए। बहुत से इंटरनेट में ये लोग क्लेम करते हैं कि अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये विरुद्ध आहार होता है, आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही रिच चीज़ है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आजकल की जो मॉडर्न साइंस भी है वो भी उसके तरीके अपना के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करती है।
लेकिन आयुर्वेद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वाकई में उसकी स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि आयुर्वेद के अंदर कभी भी ये नहीं लिखा गया कि केले के साथ आप दूध को नहीं ले सकते। इनफैक्ट उसके अंदर कॉम्पैटिबल विरुद्ध आहार ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी सिस्टम होता है उसके ऊपर काम करता है। एनर्जी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वात है, पित्त है, कफ है, उसके हिसाब से आयुर्वेद अपना होलिस्टिक अप्रोच रखता है कि हाँ, सामने वाले बंदे को हमें ऐसे ठीक करना है। लेकिन जो आजकल के बड़े बड़े जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपको आयुर्वेद के हिसाब से इसको नहीं खाना चाहिए, तो शायद उन्होंने आयुर्वेद की ठीक से स्टडी करी नहीं होगी, इसीलिए वो ये चीज़ें बोल रहे हैं। अगर वो आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें तो उसके अंदर केले के साथ छाछ को, यानी कि केले के साथ मंठा या छाछ, जो भी आप बोलना चाहें, वो उसको कंबाइन करके नहीं लेने का वो बोला गया है। दूध का कहीं पे भी नाम नहीं लिखा गया है। अब दोस्तों, मैं अब मॉडर्न साइंस की बात करता हूँ। मॉडर्न साइंस के अंदर इन दोनों को साथ में कंबाइन करके लेने से इसका कोई भी हार्म नहीं, अभी तक कोई भी हार्म नहीं देखा गया है। तो साफ सीधी बात है कि दोनों को साथ में अगर आप कंबाइन करके ले रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसकी ये जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं कि आयुर्वेद के नाम पर आपको ये नहीं खाना चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली बुलशिट है। आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने इसी के ऊपर एक ब्लॉग लिखा है मेरे आर्टिकल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में रिसर्च बेस्ड जितने भी रिसर्च पेपर हैं मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर डाल रखी हैं, आप वहाँ पर जाके अच्छे खासे तरीके से पढ़ सकते हैं कि रिसर्च क्या कहता है और किस में कितनी सच्चाई है। आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, हमारी जो आज की वीडियो का कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि आप दूध और केले को साथ में कंबाइन करके ले सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने एविडेंस बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ एविडेंस बेस्ड वीडियो लेके आता रहूँगा और ऐसी आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखिए।